उत्तरकाशी में हिमस्खलन दुर्घटना में 26 पर्वतारोही बर्फ के नीचे आ गए थे। इस दर्दनाक हादसे से रविवार को 10 शव मातृ हेलीपैड लाए गए हैं, जहां परिजनों ने लाए गए शव की शिनाख्त की है, जिसके बाद में शव को आईटीबीपी के अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया है और परिजनों को सौंप दिया है। अब तक हिमस्खलन दुर्घटना में 21 शव लाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर निवासी लांस नायक शुभम सिंह को मातली हेलीपैड पर जिला अधिकारी अभिषेक रूहेला और सेना के अधिकारी सहित आईटीबीपी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन अभी तक कुछ परिजन ऐसे हैं जो अपनों का इंतजार मातली हेलीपैड पर पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वे काफी परेशान हैं, जबकि 2 प्रशिक्षणार्थी अभी भी घटना में लापता है, जिनकी खोजबीन रेस्क्यू टीम कर रही है। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। सुबह जो बॉडीज का ट्रांसफर है वो हुआ है और इंसिडेंट साइट से जो बॉडीज बेस कैंप लाई गई थी उनको हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ आईटीबीपी मातली के कैंप में ले आए हैं और कुल अभी 7 बॉडीज आई हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है और इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग बॉडीज हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर मौसम ने साथ दिया तो और भी बॉडीज को लाया जाएगा।